स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आपकी बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री क्लास ले रहा हूँ। यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, और आज के अभी के टॉपिक का टाइटल है, नाम है आरएनएस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। विद्युत वियोजन का आरएनएस सिद्धांत। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दुर्बल विद्युत अपघटियों के विलयनों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आरएनएस ने 1887 में एक सिद्धांत दिया। इसके जिसे आरएनएस थ्योरी, आरएनएस सिद्धांत या आयनिक थ्योरी, आयनिक सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, विद्युत अपघटनीय वियोजन का सिद्धांत कहा जाता है। इस थ्योरी या सिद्धांत की प्रमुख अभिग्रहित निम्न है, जैसा कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। उसके पोस्टुलेट्स निम्न प्रकार से हैं, छह पोस्टुलेट्स हैं, इसको अपन समझते हैं। जलीय विलयन में विद्युत अपघटे आयनों में वियोजित होते रहते हैं, ये अपन जानते हैं। उदाहरण के लिए एक अपन ने उदाहरण लिया है, जिसमें अपन ने माना ए और बी जो है एक कोई भी कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि डिसोसिएट होता है ए प्लस में और बी माइनस में। तो इसमें अपन के हो जाएगा कांस्टेंट आके ए बी अपॉन ए बी, ये इक्वेशन वन हो गई। यदि वियोजन की मात्रा अल्फा तथा ए बी की प्रारंभिक सांद्रता सी हो तो साम्यावस्था में ये इक्विलिब्रियम कहलाता है, ये साम्यावस्था कहलाता है। ये वाली बात, ये जो साइन है ये क्या शो करता है, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम। यदि वियोजन की मात्रा अल्फा तथा ए बी की प्रारंभिक सांद्रता सी हो तो साम्यावस्था पर ए ब्रैकेट ए प्लस बराबर ब्रैकेट बी माइनस बराबर सी अल्फा, ये इक्वेशन टू है। या ए बी की हो जाएगी सी ब्रैकेट वन माइनस अल्फा। समीकरण दो व समीकरण तीन को समीकरण एक रखने पे, सॉल्व करने पे हमें ये जाके मिल जाती है वैल्यू सी अल्फा, जो कि इक्वेशन टू से प्राप्त होता है, और ए बी के लिए इक्वेशन थ्री से प्राप्त होगा सी ब्रैकेट वन माइनस अल्फा। तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा, ये इक्वेशन चार हो गई। ओस्टवर्ल्ड ने, जो कि वैज्ञानिक थे, ने कहा कि दुर्बल विद्युत अपघटियों वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अल्फा का मान एक की तुलना में बहुत कम होता है, यानी उसकी वैल्यू एक से बहुत कम होती है। तो के इसको सॉल्व करने पे इक्वेशन को के बराबर सी अल्फा स्क्वायर या अल्फा बराबर के अपॉन सी अंडरस्कोर, इक्वेशन पांच है, जो कि ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ कहलाता है। सेकेंड पोस्टुलेट थे, सेकेंड फाइंडिंग थी आरएनएस थ्योरी की, विलयनों में विद्यमान कैटायन व एनायन, घनायन व ऋणायन पर विद्यमान कुल आवेश का मान बराबर होता है, जिससे विलयन उदासीन बना रहता है। यानी कि जो कैटायन और एनायन है, घनायन और ऋणायन है, पर विद्यमान कुल आवेश जो उस पर चार्ज होता है वो बराबर होता है, जिससे विलयन न्यूट्रल बना रहता है, उदासीन बना रहता है। ये उनकी सेकंड फाइंडिंग थी। तीसरा पॉइंट, कैटायन व एनायंस, घनायन व ऋणायन विलयन में मुक्त विचरण करते रहते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन यदि उनमें विद्युत प्रभावित की जाए,
तो घनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर चलते हैं, क्योंकि अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। अर्थात विद्युत धारा विलयन में आयनों को उत्पन्न कभी नहीं करती, केवल उनकी गति की दिशा का निर्धारण करती है। यानी कैटायन और एनायन सॉल्यूशन में फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन यदि इसमें सॉल्यूशन में इस विलयन में इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित की जाए, विद्युत धारा प्रभावित की जाए, तो कैटायंस कैथोड की ओर और एनायंस एनोड की ओर मूवमेंट करते हैं। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत धारा विलयन में आयनों के उत्पाद उत्पन्न कभी नहीं करती, केवल वे उनकी गति की दिशा को निर्धारित करती है, निर्धारण करती है उनकी दिशा को। चौथा पॉइंट जो उन्होंने निकाला अपने निष्कर्ष में, यह आवश्यक नहीं कि विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो, उसका उतना जितना अंश वियोजित होता है उसे वियोजन की मात्रा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा कहते हैं। इसका मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है जरूरी नहीं हो पूर्ण रूप से डिसोसिएट होए, जितना भी पार्ट उसका डिसोसिएट होगा वियोजन होगा वह उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की जो मात्रा है फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कारकों पे निर्भर करती है। सबसे पहला कारक होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वियोजन की मात्रा किस पे डिपेंड करेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्यों में इलेक्ट्रोलाइट्स के अणुओं में जितना अधिक आयनिक बंध गुण होगा उतना ही अधिक आयनन होगा। यानी इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे कैसे डिपेंड करेंगे, यदि वो उसमें आयनिक बॉन्ड ज्यादा होंगे, आयनिक बंध ज्यादा होंगे इलेक्ट्रोलाइट में, तो उसका उतना ही अधिक आयनाइजेशन होगा। सेकंड फैक्टर नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान जितना उच्च होगा उसमें किसी विद्युत अपघट्य का आयनन उतना ही अधिक होगा। नेचर ऑफ सॉल्वेंट किस पे डिपेंड करती है, उसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। तो इसका जितना अधिक मान होगा उसमें इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन उतना ही अधिक होगा। तीसरा पॉइंट, ये सब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करने वाले पॉइंट्स। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज, किसी विलयन में अन्य आयनों की उपस्थिति में भी इलेक्ट्रोलाइट्स के वियोजन की मात्रा प्रभावित होती है। से आयनन वाली अशुद्धियां वियोजन की मात्रा को घटा देती है। उस प्रभाव को से आयनन प्रभाव कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। इसके विपरीत यदि अशुद्धि में कुछ ऐसे आयनन हैं, आयन हैं जो विद्युत अपघट्य के आयनों से क्रिया करके कम आयनित वाले होने वाले यौगिकों का निर्माण करते हो, तो पदार्थ के वियोजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। चौथा पॉइंट जो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को इफेक्ट करेगा वो है सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन। विलयन जितना तनु होता है आयनन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। पांचवा पॉइंट जो इसके डिसोसिएशन को इफेक्ट करता है वो है टेम्परेचर, ताप। ताप के बढ़ने से आयनन की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसका डिसोसिएशन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि उसका मूवमेंट अधिक होने लग जाएगा आयनन का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से, टेम्परेचर बढ़ने से, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ जाती है। अब पांचवा पोस्टुलेट किसका, आरएनएस थ्योरी का। विभिन्न आयनन लगातार एक दूसरे के साथ संयुक्त भी होते रहते हैं, अतः अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती रहती है। अर्थात अभिक्रिया उत्क्रमणीय और साम्यावस्था पर एक गति के साथ
डायनामिक इक्विलिब्रियम स्थापित करती है, स्थापित हो जाता है उनके बीच में। यानी विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट्स के जो है विभिन्न आयनन लगातार एक दूसरे के साथ संयुक्त होते हुए भी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती रहती है, अर्थात जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करते रहते हैं और साम्यवस्था एक स्थापित करते हैं, जिसे डायनामिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। छठा निष्कर्ष जो इन्होंने निकाला था आरएनएस ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा, आरएनएस ने कहा कि दुर्बल इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किसी भी सांद्रता पर उनके तुल्यांक की चालकता का मान उनके आयतन की मात्रा के समानुपाती होता है। बात को समझो, उन्होंने क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किसी भी सांद्रता पर उनके तुल्यांक की चालकता का जो मान है उनके आयतन की मात्रा के समानुपाती होता है। अनंत अनुताप पर अथवा शून्य सांद्रता पर अनंत अनुताप पर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं अपन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे पूरी तरह से उसका आयनाइजेशन हो चुका है, आयनन हो चुका है, सांद्रता पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उनकी सांद्रता जीरो रह जाती है, इसलिए अपन कहते हैं शून्य सांद्रता अनंत अनुताप पर। अतः उस स्थिति में अल्फा बराबर वन हो जाएगा और लैम्डा बराबर लैम्डा जीरो होता है, और इस नियम के अनुसार लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो बराबर अल्फा, इसको इक्वेशन अपन ने 6 के नाम से दे रखा है। अल्फा का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 कौन सा है ये देखें, आप हमने अभी बताया था, अपन ने डिराइव करा था, मैं दोबारा बता देता हूं, समीकरण 4 है ये वाला, ये है समीकरण 4। अल्फा का मान समीकरण 4 में रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, k बराबर c अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बराबर c ब्रैकेट में लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा जीरो। तो ये बराबर हो जाएगा c लैम्डा स्क्वायर लैम्डा जीरो ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा, समीकरण 7। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k अपॉन c बराबर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा जीरो अपॉन लैम्डा जीरो ब्रैकेट 1 माइनस लैम्डा। यह समीकरण सीधी रेखा की समीकरण y बराबर mx के अनुरूप है।